दिनांक 20 जनवरी को अशोक नगर कैंप कार्यालय पर बीजेपी महानगर कार्यकारिणी सदस्य विजय प्रकाश और बंटी धाकड़ द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा स्थापना समारोह को लेकर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करके इलेक्ट्रिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया से रूबरू हुए एवं कार्यक्रम की जानकारी दी। तरकबाई है, इसके माध्यम से हम सभी शहरवासी, देशवासी एवं जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि अयोध्या में प्रभु रामचंद्र जी का भव्य मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ, उसी में हमारे आराध्य भगवान राम का जो स्थापना की जाएगी 22 दिसंबर जनवरी को, उसमें हम सभी लोग एक साथ हर्षोल्लास के साथ दीपावली जैसा महोत्सव मनाएंगे। 21 तारीख की शाम को हम यहाँ से अपने कार्यालय से एक कलश ले जाके मंदिर में स्थापित करेंगे। 22 तारीख को सुबह सूर्य तिलक के साथ ही उस कलश को कार्यालय पर लाएंगे, उसका पूजन करेंगे, विधि विधान के साथ यहाँ पर यज्ञ हवन करेंगे। हवन के बाद शाम को आतिशबाजी एवं प्रसाद वितरण का कार्यक्रम, भगवान के मंगल में गीत एवं भजन कीर्तन आदि का प्रोग्राम और एक भजन के साथ ही भंडारे का कार्यक्रम पथवारी मंदिर माता जी का जो नीचे है कार्यालय के आगे, उसका हम करेंगे। और ये पूरा सहयोग जो हमारी टीम बैठी हुई है इसके द्वारा कर रहे हैं, और इसका आयोजन हमारे बंटी धाकड़ जी जो महानगर कार्य समिति के सदस्य हैं, इनका हमेशा यहाँ कार्यक्रम होते रहते हैं, हम सभी को प्यार मिलता है। और माननीय महानगर अध्यक्ष भानु महाजन जी के निर्देशन पर यह कार्यक्रम पूरे आगरा महानगर में किया जा रहा है, तो यहाँ भी कर रहे हैं। इसी के साथ आप सभी का, मीडिया बंधुओं का पुनः बहुत बहुत बधाई। मैं बंटी धाकड़, महानगर कार्य समिति सदस्य भाजपा आगरा। यह आप भाइयों को प्यार मिली, आप लोगों को इसलिए बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने अपना समय दिया। यह वार्ता इसलिए रखी गई 22 जनवरी को भगवान श्री राम जी के मंदिर में विराजमान होंगे, और यह हम सभी हिंदुओं की जीत का विषय है। और हम आपके चैनल के माध्यम से भारतवासी के सभी लोगों को यह कहना चाहते हैं कि इस 22 जनवरी को दीपोत्सव धूमधाम से मनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाएं, और यह हमारे अनेकों बूढ़े बड़े पूर्वजों की जो बलिदानी गई थी, यह मोदी सरकार ने उसको भी काम पूर्ण किया, और यह हमारी नई पीढ़ी सौभाग्यशाली है जो भगवान श्री राम को एक भव्य मंदिर में विराजमान होते देखेंगी।